खनन माफियाओं पर आगरा पुलिस की कमर तोड़ कार्रवाई। दबंग खनन माफियाओं का तिलस्म तोड़ने को आगरा पुलिस ने खाका किया तैयार। खनन माफियाओं का टोल प्लाजा का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई आगरा पुलिस। आगरा पुलिस ने 3 दिन में 105 मुकदमे दर्ज कर दिया सख्त कार्रवाई का संकेत। अब तक 32 लोगों को आगरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। आधा दर्जन से ज्यादा हत्या के प्रयास के मुकदमे किए दर्ज। साथ ही गैंगस्टर और कुर्की की भी होगी कार्रवाई। अब तक कितने मुकदमे इस पूरे मामले में लिखे जा सकते हैं? देखिए, खनन जो अवैध रूप से चल रहा है आगरा में, पिछले 3 हफ्ते से लगातार इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। अभी तक कुल जनपद आगरा में 105 मुकदमे इसमें पंजीकृत हो गए हैं, जिसमें 32 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। साथ के साथ जो इसमें अभी प्रकाश में लोग आए हैं और जो इसमें नामजद हैं, जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनका माननीय न्यायालय से NPW जारी कराने का प्रयास जारी है। इसके अलावा अभी रिसेंट में जो आगरा के प्रमुख 5 जो स्टॉकिस्ट थे, जिन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध रूप से जो खनन का सामग्री है अपने यहाँ डंप कर रखा था, उस पर भी कार्रवाई हुई है। इसमें जो हमारी पूरी जॉइंट टीम बनी है, जिसमें खनन विभाग भी है, RTO भी है, साथ के साथ वाणिज्यकर अधिकारी भी साथ में हमारे हैं, तो ये पूरा जॉइंट रूप से हम इस पर खनन पर प्रहार कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे जो अवैध रूप से खनन है, काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सर, आपके द्वारा जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो भी खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, आपने उसे न्यायालय जमानत दे दी है, क्या गैंगस्टर की कार्रवाई इस पूरे मामले में करने का मन बना लिया है? जानकारी में नहीं आया है कि किसी मामले में इसमें जमानत हुई हो, अगर हुई भी होगी तो मेरे अभी नॉलेज में नहीं है। जो गैंगस्टर की कार्रवाई है, जो इसका मूल मुकदमा है, इसमें हम साक्ष्य संकलन करके इसमें चार्जशीट लगाए हैं। साथ जब चार्जशीट लगने के बाद इसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी। जितने भी अवैध रूप से जो अर्जित धन है, जो प्रॉपर्टी है, सब पे तगड़ी कार्रवाई होगी। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं, वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।